है ये साइड मेरे अंदाज से, जैसे आपका बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग, क्रिकेटर लोग आएंगे यहाँ पे, तो ये रूम बन सकता है, ये रूम होगा मेरे अंदाज से। और यहाँ पे मेन गेट होने वाला है, ये मेन गेट होने वाला है। और उस तरफ से भी एक रास्ता है, उस साइड से भी एक रास्ता है, तो एक उस तरफ में भी है। काफ़ी एक बड़ा ग्राउंड होने वाला है, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से वीडियो पे लग रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है। लाइट के पोस्ट तो लग चुका है ऊपर तरफ में, वो ऊपर में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो लग चुका है पूरा कंप्लीट। डर भी लगेगा यहाँ कंप्लीट होने के से। बाद मैं एक और वीडियो अच्छे से लाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा भीतर में किस तरह से और कैसा बना है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि कब अच्छे अच्छे प्लेयर लोग, जैसे विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, उन लोगों के मैच यहाँ पे हो, और हम धोनी और भी है नियाज भाई यार। दोनों देखने के लिए आए। फर्स्ट टिकट होगा हम लोग हाँ का, होगा, आएगा आएगा, जरूर हो गया। तो नियाज भाई आप लोगों को यहाँ पे आके आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जगह तो बहुत बड़ा है यहाँ पे। नियाज भाई को पता भी नहीं था कि यहाँ स्टेडियम बन रहा है, मैंने हाँ उसको मैं पहली बताया बार था। आया है, पहली पहली बार बार आया, आया मैं यहाँ भी पे। पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे खबर मिला था कि यहाँ से स्टेडियम बन रहा है, तो मैंने सोचा कि आके यहाँ ब्लॉग शूट कर लूँ। आप लोगों को ये बता दूँ, डिब्लूगढ़ से जो भी अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोग के डिब्लूगढ़ में भी एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। कंप्लीट होने के बाद मैं और अच्छे से मैं आप लोगों को बार बार बनाऊँ, एक बढ़िया सा वीडियो लाने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोग वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलो तो वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड्स। आज आप लोग ने थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं डिब्लूगढ़ स्टेडियम, जहाँ खोनिकर के सामने में एक स्टेडियम बन रहा है, डिब्लूगढ़ स्टेडियम, क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। अभी मैं अपने दोस्त के लिए रुका हुआ हूँ यहाँ पर नलिया पुल की तरफ में, पता नहीं वो कब आएगा, उसने घर चेंज कर दिया तो मुझे पता नहीं उसका घर कहाँ पर है, तो वो अभी यहाँ आने वाला है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, देख लेते हैं कहाँ पर वो मिलता है। काफ़ी टाइम हो गया, 5 मिनट जैसे हो गया रुकने के बाद, नियाज तो आया नहीं फिलहाल, मैं उसे उसका घर के सामने में लेने के लिए आ गया। अभी नियाज भाई और हम जाएंगे करने के लिए। अब फिलहाल नियाज भाई को दे देता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, पीछे से वो शूट करेगा, तो पीछे बैठ जा नियाज। हम लोग यहाँ पे अभी रेल पटरी क्रॉस करने वाले, ट्रेन आने वाली है अभी, यहाँ से ट्रेन पार हो गए तो हम लोग यहाँ पे रुक गए अभी थोड़ी के लिए। उसके बाद हम लोग उस पार जाने के बाद खोनिकर में जाएगा, तो ट्रेन नहीं, ट्रेन का इंजन आया है, मुझे लगा ट्रेन आने जी वाला जी है। तो काफ़ी रोड ट्रेन तो हम लोग ऊपर में आ गए। गाइस अलग ही सीन हो गया यहाँ, बीच रास्ता में भी ट्रेन रुक चुका है, पता नहीं क्या हुआ है, ट्रेन के भी प्रॉब्लम, पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ पे बीच रास्ता में ट्रेन रुक चुका है, हम लोग के साथ ही ऐसा जा होता है। हाँ रहा चलो ट्रेन चालू हो गया, लगता है कोई गलती से चेन खींच दिया था ट्रेन का, इसी वजह से ट्रेन रुक गया था जगह पर। चलो गाइस ट्रेन जा रहा है और हम लोग भी यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएंगे, काफ़ी लोग रुका हुआ है तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ट्रेन भी पार हो चुका है, अब देख के अच्छा लगा, मुझे लगा कि बहुत लॉन्ग घूर के जाना पड़ेगा मुझे, ये कि ये रास्ता है। सीन हो रहा है हम लोग के साथ, ट्रेन उल्टा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है हम लोग के साथ। ये साइड ट्रेन दूसरी पट्टी से दूसरी पट्टी में शिफ्ट कर रहा है, इसलिए साइड बैक आगे आके फिर बैक जा रहा है ये ट्रेन। हम लोग के साथ तो अलग ही सीन हो गया है यहाँ पर, ट्रेन बैक जाने के बाद ये पटरी क्लियर हो पाएगा। देखिएगा देखिए ट्रेन बैक जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ में, अलग ही सीन हो गया यार। तो अभी पटरी क्लियर हो गया है, अभी शायद पटरी खुल जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं उस जाने के बाद। क्या है अच्छा रहा।
रास्ता जाने से मिलेगा क्या आपको? मेन गेट जाना। हाँ मेन गेट करते हैं। ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं। भैया इस जगह से क्या आगे से स्टेडियम के सामने काफी बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। यहाँ पे छोटा नहीं है तो काफी बड़ा स्टेडियम है। पता नहीं मुझे एंट्री मिले या ना मिले, लेकिन ट्राई करूंगा अंदर जाने का। पिछले जाने से काफी बड़ा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं काफी बड़ा बनाया है। पता नहीं अंदर से जाने मिले या ना मिले, लेकिन ट्राई करेंगे हम लोग अंदर जाने का। कोशिश करेंगे एक बार अंदर जाके हम लोग को शूट कर सके हम लोग। जाने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन अंदर में भी एंट्री नहीं मिल रहा है। पता नहीं जाने नहीं दे रहा अंदर पे। लेकिन हम लोग इतने सामने से और थोड़े सामने जाके आप लोग को वीडियो करके दिखाते हैं कि कितना बड़ा बना है हम लोग को डिब्रूगढ़ का स्टेडियम। खोनीकर पार्क के सामने में ही है, ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, खोनीकर के ठीक सामने ही है। तो काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है स्टेडियम। मुझे अंदाज़ नहीं था कि इतना बड़ा होगा स्टेडियम, काफ़ी बड़ा है। इतनी मेहनत करने के बाद स्टेडियम के सामने पहुंच तो गया, लेकिन अंदर में एंट्री नहीं मिल रहा है अभी तक हम लोग को, क्योंकि काफ़ी काम चल रहा है इसलिए एंट्री नहीं मिल रहा है हम लोग को। आप लोग देख सकते हैं इतने सामने से काफ़ी बड़ा है स्टेडियम है डिब्रूगढ़ स्टेडियम। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये, मैंने काफ़ी छोटा सोचा था, लेकिन ये ज़्यादा ही बड़ा निकला है ये स्टेडियम। ठीक है, अंदर जाने मुझे मिल रहा नहीं है, अंदर जाने का एक बार ट्राई करता हूँ फिर से बात करके मैं। अगर अंदर जाने मुझे मिलता है तो मैं अंदर का सीन भी आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर का कैसा सीन हो रखा है। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना दूर आया हूँ आप लोगों को डिब्रूगढ़ स्टेडियम का वीडियो दिखाने के लिए। काफ़ी दूर आया हुआ हूँ और मेरे साथ तो नियाज भाई भी आया हुआ है। नियाज भाई वहाँ पर रुका हुआ है और मैं यहाँ पर हूँ। अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है गाइस, मैंने काफ़ी छोटा सोचा था कि, लेकिन ये सामने से काफ़ी बड़ा लग रहा है। आप लोगों को वीडियो में भी देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्टेडियम बन चुका है ये। लेकिन मैं कर रहा हूँ, जब ये बन जाएगा तो मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ इसके लिए। आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा कि बनने के बाद कैसा लगता है। आप लोग इस वीडियो में जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा और मैं अंदर के वीडियो में ट्राई करता हूँ अंदर जाने के लिए। अगर अंदर जाने मिलता तो मैं अंदर का सीन आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने जैसे बताया अभी यहाँ का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। आप अगर आप लोगों को आगे का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिसको पता आप लोग के दोस्तों के नहीं है जो डिब्रूगढ़ से देख रहे हैं, जिसको पता नहीं है यहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, तो उन लोग को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, अभी के लिए बाय।